फ्रेंड्स, वेलकम टू मुनमुन की रसोई। आज हम मुनमुन की रसोई में बनाने जा रहे हैं आम का रहता। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आम का रहता। गाइस, गर्मियों का मौसम हो और खाने में ठंडा ठंडा रहता मिल जाए खाने के साथ, तो फिर क्या बात है। ये हमारे खाने के स्वाद को दोगुना कर देता है और आम का रहता बनाना तो बहुत ही आसान है। आइए, मैं आपके साथ आम का रायता बनाने की रेसिपी शेयर करती हूँ, तो चलिए बना लेते हैं। आम का रायता बनाने के लिए सबसे पहले दो आम ले लिया मैंने। दो आम को छोटा छोटा सा चॉप कर लिया, ये देखिए ऐसे चॉप कर लेना है। ये स्पून से 5 स्पून मैंने चीनी ली है। दही है, इस बाउल से मैंने 2 बाउल दही ली है। 1 बाउल दही मैंने पहले डाल ली है और 2 बाउल दही ये डाल लेते हैं। और ये इलायची पाउडर है, ये 2 पिंच है, इसको भी डाल लेंगे। और ये शुगर जो 5 स्पून लिया था, इसको भी इसमें डाल लेंगे। आइए, सबसे पहले इसको विस्क कर लेते हैं। ये लीजिए, अच्छे से चीनी और इलायची मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम काजू और पिस्ते लिए थे, ये देखिए 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे। आइए, इसको भी मिक्स कर देंगे। मैंगो सब डाल देंगे, ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंगो का येलो कलर दही में आ गया है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये रायता खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। गाइस, आप इसको रायते के रूप में भी खा सकते हैं और स्वीट डिश के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। आइए, अब इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये मैंने आधे आम को छोटे छोटे से कट कर लिए थे। आइए, अब इस पर डेकोरेशन कर लेते हैं आम का। ये कुछ टूटी फ्रूटी ले रखे हैं, ग्रीन टूटी फ्रूटी। आइए, इसी पे डाल लेते हैं। रेड, कैशियो, केसर। गाइस, केसर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसको डालिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। ये बिना केसर के भी बहुत अच्छा लगता है, बट केसर से इसका स्वाद 2 गुना हो जाता है। ये लीजिए, आम का रायता बनके रेडी है। आप 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, जिससे ये ठंडा हो जाए, और 1 घंटे बाद आप इसको खाइएगा। आप इसको बना के बहुत देर के लिए मत रखिएगा, 2 घंटे के अंदर आप इसको खा लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसको एक स्वीट डिश की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है गाइस, आप इसको एक बार अपने घर में जरूर ट्राई करिए। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अगर आपको ये आम का रहता अच्छा लगा हो, तो गाइस किसका आप वेट कर रहे हैं, आप एक बार जरूर अपने घर में बना के इसको ट्राई करिए। और आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल पे जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करें कि आपको मेरी डिश कैसी लगती है, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी डिशेस बना के ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।